गंदे काम करने वाले मतलब हमने कोठों पे आना जाना छोड़ रखा है जी जी। बड़ा मजबूर करके लाया ये दल्ला हमें। आपकी जुबान से बहुत अच्छा लग रहा है क्या उर्दू में बहुत मजबूर करके लाया है ये दल्ला हमें। भाई अगर आपको इतना प्यारा लग रहा है जी तो हमारे लिए आप भी दल्ले नहीं नवाब साहब कले कले हैं। ये उस्ताद जी बड़े खूबसूरत थे। कैसे? बस तमाशबीन आया उन मजा नहीं आया और जानते उस्ताद और रंग ला गए। सुनैया भाई जी सुना बड़े बड़े नगीने तुम्हारे कोठे हाँ जी हमें दिल रुबा से मिलना है। सर जी हाँ। हो गया नवाब साहब जरा हाँ। दिल पुचौरी करो दूसरे नगीने देखो पागलो पहले नवाब साहब ने बिठाओ तहजीब होती है कोठों की। आए नूरिया मैं भूल गया यार की है वो फीता कंजर नहीं हो आहो भैड़िया ओदा अब्बा मर गई ओए ओए ओदे शरीका ने ना गली च देख पकाई आ अच्छा ओथों ही ला मर लै ओ तो चल ए ठोकी ना ओन ने ओने को चंडा खाना लिया। हां तो सरैया भाई जी हम तो सिर्फ दिन रुबा के दीदार के लिए आए। हां जी ओए बुला साहब बुलाने होने किसे बुला रही हो अपना रेशा। वालेकुम सलाम। वाह भी वाह। मैं क्या सुनैया भाई हां जी ए कुड़ी तेरी कॉलेज च पढ़दी है नहीं क्यों ए पीछे पछताया लटकाया सुना वे दल्ले ओ मेरा बिजनेस है दसन आए बंदे हाय उल्लू के पट्टे इसी इसी की तो कीमत है। रुकी है वरना ये बारो बार बाईपास और चिश्तियां। नवाब साहब इसे देखो ना साहब। आदाब देखो हां बहुत प्यारी हैं आप। थैंक यू। आपकी आंखों का जवाब नहीं हाय हाय गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ हैं आपके। रेडी आपने तो हमें मुतासिर किया। ए बैठिए ना पूरा तो देखो नवाब साहब हाय क्या बोल रहे हैं ऐसी तगड़ी औरत है हाय हाय इहो जी औरत नु बंदा कह रहा था ओए एक मिनट छड़ी दे ना जिन्नी देर को इत जगह ना चोर जाया कर कन्ना टपाया कर चलो उपर ए तो कुछ भी नहीं भैन तो बॉडी बिल्डर सी अच्छा बंदा इतना लगे कहती लक च तत्ता फरेज पान लाया कहती मैं दवाइया बनवा के आई तरह हल्का है नीम गर्म लाया जी हाँ तो आप इस कोठे पे नाच रही हो जी बिल्कुल तो कब से नाच रही हो जी बचपन से बचपन से मतलब क्यों क्यों आपको अच्छा लगता है नाचना या मजबूरी के तहत नाच ओ कुड़ी का दिल नहीं करता नचनते हां हराम दी नचानी ए ना नचे नहीं कितो खाओगे नूरिया हां इथो जीटी रोड कितनी को दूर है ए नाल ही बाबा बाबा 5 को मिनट में सिर थल्ले करके पैदल टुरना है तू क्यों कारा वाले बल दे टोटे भी सुट दे नहीं ओ चौके ला ओ वंडो जी नाम रहता फिर घर में मार है फिर नाम रहता
अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि आप अपने शौक से नाचती हैं या कोई मजबूरी के तहत? देखिए मजबूरी की चीज के हमारा काम है। अच्छा बिल्कुल ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸਮੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਓਕੇ ਕਿਹਦੀ ਬਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੱਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪ ਦੇਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕੜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ पूरी दुनिया के हालात बदल रहे तेल महंगा हो रहा है डॉलर की समझ नहीं आ रही बजट माचिस का रेट ही नहीं मान आपके लिए टोकन है नवाब साहब इतने में तो हमारा दल्ला नहीं खुश होता मान जो संघाड़े खा लेगी यार अपना दल्ले जी जी नवाब साहब आप रात 9 बजे से 10 बजे तक हमारे पास रहेंगे बस 1 घंटा मोशन फड़ दीजिए अच्छा 1 घंटे में सिर्फ मोशन पकड़ती है ऐ उल्ली लाइयो घंटे दे दा मोशन बंद होना जी हां तनु लवे मोला एडू ते वैसे भी मोशन लगे हां ऐ लाइयो ठीक है सुनैया भाई ये रात 9 बजे से 10 बजे तक हमारे पास रहे नहीं नहीं बाप साहब क्यों 1 घंटे का मुजरा तो मैंने कभी किया ही नहीं कितने घंटे नाचना चाहती हैं 9 से 12 हां ठीक है 9 से 12 फाइनल हो खुल के नाचना चाहती है ठीक है 9 से 12 बंदे करके अपना